Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बहन इवांजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। We have a house in heaven. स्वर्ग में हमारे पास अपना घर होगा। That house will be forever and ever and ever. And the Lord will take this temple to the eternal house. आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। My beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। Today the Lord spoke to me to say that I will bless my people in my house. और आज परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात रखी है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को अपने भवन में आशीष दूंगा। In Isaiah 56 and 7. यशया अध्याय 56 वचन 7 इस तरह से कहता है। Jesus says. यीशु ये कहता है। My house will be called a house of prayer for all nations. मेरा घर तो सभी जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। Not only for the people of Israel, केवल इसराइल के लोगों के लिए ही नहीं, but for the people of all nations, लेकिन सभी देशों के लोगों के लिए। My house is a house of prayer. मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। So never say that I am a dry tree. और कभी ये न कहें कि मैं तो एक सूखा हुआ पेड़ हूँ। In the same chapter in verse 3, 4 and 6, the Bible says. इसी अध्याय में वचन 3, 4 और 6 में बाइबल कहती है। The Lord says, never say that I am a dry tree. प्रभु कहता है कि कभी ये न कहना कि मैं एक सूखा हुआ पेड़ हूँ। I don't have any blessing. मेरे पास कोई भी आशीष नहीं है। But the Lord says I have blessing in my house, the house of prayer. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे भवन में, प्रार्थना के भवन में आशीष है। And secondly, the Lord says. और दूसरी बात प्रभु ये कहता है। My house is my father's house. और वो कहता है कि मेरा घर तो मेरे पिता का घर है। This is my father's house. ये तो मेरे पिता का घर है। In John 2:16, the Lord says. यूहन्ना 2:16 में प्रभु इस तरह से कहता है। When Jesus visited the temple in Jerusalem. जब यीशु यरूशलेम के उस भवन में आया। He said to the people who were selling doves. वो वहाँ पर उन लोगों से बातें करने लगा जो कबूतर बेचते थे। Get out of these. उसने कहा इन्हें बाहर निकालो। Get these out of here. इन लोगों को तुम यहाँ से निकाल दो। Do not make my father's house a house of merchandise. और मेरे पिता के घर को व्यापार की जगह मत बनाओ। This is not a place for earthly business. ये यहाँ पर पृथ्वी पर के काम या पृथ्वी पर के व्यापार की जगह नहीं है। He was so angry with the merchants. वहाँ पर जो व्यापारी थे उनसे वो बहुत ही क्रोधित हुआ। And he said, "This is my father's house." उसने कहा ये तो मेरे पिता का भवन है। Here only father's business should be made. यहाँ पर तो केवल मेरे पिता का काम होना चाहिए ऐसे उसने कहा। And in Luke 2:49. लूका अध्याय 2:39 में हम इस तरह से देखते हैं। When we read the whole chapter. जब हम इस पूरे अध्याय को यहाँ पर पढ़ते हैं। Jesus' parents used to go to Jerusalem every year for the feast of Passover. यहाँ पर यीशु के जो माता पिता हर साल फसह के पर्व के लिए यरूशलेम में जाया करते थे। As that was the custom there in Jerusalem. और जैसे कि यरूशलेम की ये विधि थी। Jesus also accompanied his parents every year. हर एक साल यीशु भी अपने माता पिता के साथ वहाँ पर जाया करता था। When he was 12 years old, he also went along with his parents. और जब वो 12 साल का था, तब भी वो अपने माता पिता के साथ में वहाँ पर गया। And as his parents were returning home from Jerusalem, और जब उसके माता पिता यरूशलेम से घर वापस लौट रहे थे, the boy Jesus
stayed in Jerusalem. उस समय ये जो बालक यीशु था वो यरूशलेम में ही रुक गया. And one day passed by. और फिर एक दिन बीत गया. Jesus' parents began to look for Jesus. और यीशु के माता पिता यीशु को ढूंढने लगे. 3 days passed by. 3 दिन बीत गए. Only then they found out Jesus in the temple courts in Jerusalem. और तब उन्होंने यीशु को यरूशलेम के उस आराधनालय के आंगन में उन्होंने देखा. As Jesus was sitting among the teachers. और जैसे यीशु वहां पर शिक्षकों के बीच में बैठा हुआ था. Listening and asking questions about God. वो उनकी सुन रहा था और परमेश्वर के बारे में सवाल पूछ रहा था. Jesus' mother came to him and asked. यीशु की माता ने आकर उससे इस तरह से पूछा. Son, why have you been treating us like this? Hey, मेरे बेटे, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? Your father and I have been searching for you anxiously. तेरे पिता और मैं तुझे बड़ी बेताबी से यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे. And Jesus said. और यीशु ने कहा. Mother and father. हे मेरे माता पिता. Why were you searching for me? तुम मुझे यहाँ वहाँ क्यों ढूंढते हो? Didn't you know I had to be in my father's house? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? Didn't you know that I have to be in my father's house? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? That was the business of Jesus. और यही तो यीशु का काम था. To do his father's business. कि अपने पिता का काम करे. He loved to do God's will. उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना बहुत पसंद था. And he felt himself at home in his father's house. और उसने अपने पिता के घर में मानो खुद को वहाँ पर रहते हुए ऐसे महसूस किया जैसे कि वह अपने घर में है. Dear friends, in our prayer towers also, whenever we would visit the prayer tower. प्यारे दोस्तों, हमारे प्रेयर टावर में जब भी हम वहाँ पर जाते हैं, we would see our prayer intercessors praying with so much zeal in their heart. हम देखते हैं कि हमारे प्रार्थना मध्यस्थ जो है अपने दिल में बड़ी जिज्ञासा लेकर प्रार्थना करते हैं. They'll be offering prayers all the 24 hours. वो 24 घंटे वहाँ पर प्रार्थना किया करते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं. Once when we visited on the New Year's Day. और एक बार की बात है जब हम नए साल के दिन में वहाँ पर गए. At 2 o'clock in the morning. सुबह 2 बजे के समय की बात है. We saw them praying and praying and praying in the prayer tower. हमने वहाँ पर उन्हें उस prayer tower में प्रार्थना 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 करते देखा. And we watched the joy in their hearts and in their faces. हमने उनके दिल में आनंद देखा, उनके चेहरे पर बड़ी खुशी देखी. As they were serving the Lord. जैसे वो प्रभु की सेवा कर रहे थे. Lord gave them joy in their heart. परमेश्वर ने उनके दिल में उन्हें बड़ा आनंद दिया. Everybody wanted to be with their family on the New Year's Day. हर कोई व्यक्ति उस नए साल के दिन में अपने परिवार के साथ रहना चाहता है. But those people, लेकिन इन लोगों ने, they left their family, वो अपना परिवार छोड़कर आए. And they were sitting alone in the prayer tower. और वो प्रेयर टावर में अकेले एकांत में बैठे थे. Just to cheer them up, we went and visited. बस उन्हें धाड़स देने के लिए, हौसला देने के लिए हम जाकर उनसे मिले. And they were so happy to see us. और हमें देखकर वो बहुत खुश हो गए. We took a cake and we cut the cake and celebrated the New Year's Day with them. हमने केक लिया, केक काटा और इस नए साल का दिन हमने उनके साथ में मनाया. What a joy it is to be with the servants of God, isn't it? इस तरह परमेश्वर के दासों के साथ में रहना सच में कितने बड़े आनंद की बात है. They really delighted in the presence of God. वो सच में परमेश्वर की उपस्थिति में खुश हो गए. Jesus also delighted to be in his father's house. यीशु भी अपने पिता के घर में रहने में बहुत ही प्रसन्न हो गया. He says, my food will be to do the will of God. उसने कहा है, मेरा भोजन यही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करूं. Even after he died and he was resurrected. और हालांकि उसके मरने के बाद जब वो फिर से जी उठा. Now as he is alive even among us. और जैसे कि आज अभी वो हमारे मध्य में जीवित है. Still he is doing his father's business. अभी भी वो अपने पिता का काम कर रहा है. That's why the Bible says in Hebrews 7:25. और इसीलिए बाइबल कहती है इब्रानियों अध्याय 7:25 में, He is living in heaven praying for us all the time. वो स्वर्ग में रहता है और हमेशा हमारे लिए प्रार्थना
करती रहता है। Whenever we go to God, जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, the Lord is there living among us to pray for us. परमेश्वर वहाँ पर है, हमारे मध्य में रहता है कि हमारे लिए वो प्रार्थना करे। To intercede for us. वो प्रभु हमारे लिए मध्यस्थी करता है। To give us all the needs in our life. हमारे जीवन में जो भी जरूरत है उसे पूरा करता है। What a privilege it is to go to God, isn't it? और सच में परमेश्वर के पास जाना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। What a privilege it is to have such a loving God. और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रेमी परमेश्वर को रखें। He always prays for us. वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है। My husband always used to say this. मेरे पति हमेशा इसी तरह से कहते हैं। Our children, whenever they would go to school or college, मेरे बच्चे जब भी स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, they would come to their father and pray with them, and then only they go to school or college. वो अपने पिताजी के पास आते हैं, उनके साथ प्रार्थना करते हैं, और फिर ही वो अपने स्कूल या कॉलेज में जाते हैं। They will come and pray with their father. वो आकर अपने पिताजी के साथ प्रार्थना करते हैं। My husband always tells them saying this. मेरे पति हमेशा इस तरह से उनसे कहते हैं। Even if you don't have time to have breakfast. अगर तुम्हारे पास नाश्ता करने के लिए समय नहीं तो कोई बात नहीं। Don't leave this time of prayer with me every day. लेकिन प्रतिदिन मेरे साथ ये जो प्रार्थना का समय इसे मत चूकना। You must come to me for prayer before you go to school. स्कूल में जाने के पहले तुम्हें प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आना बहुत जरूरी है। I've heard him saying that very often. मैंने ये सब कुछ बहुत अक्सर उन्हें कहते सुना। This is the heart of a father. और यही तो एक पिता का दिल है। He will be waiting for us in the house of prayer. प्रार्थना के भवन में वो हमारे लिए राह देखते रहता है। He's saying to us. वो हमसे कहता है। Don't do anything. By not coming to my house. मेरे भवन में न आते हुए तुम कुछ भी काम मत करना, कुछ ही नहीं करना। Come to me. मेरे पास आओ। Come to me. मेरे पास आओ। Those who are weary and burdened. जो लोग थके और बोझ से दबे लोग हैं। And I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This is the heart of a father, dear friend. प्यारे दोस्तों, यही तो पिता का दिल है। To give us rest. कि हमें विश्राम दे। Give us peace. कि हमें शांति दे। This is the promise for this year, dear friend. प्यारे दोस्तों, इस साल के लिए बस यही तो प्रतिज्ञा है। As in Isaiah 26:12. यशया अध्याय 26 वचन 12 जैसे कहता है। This year he will give us peace. वो हमें इस साल शांति देगा। And he will himself perfect every blessing in our life. और वो स्वयं हमारे जीवन में हर एक आशीष सिद्ध करेगा। Dear friends. प्यारे दोस्तों। Our Lord's house is our Father's house. हमारे प्रभु का भवन तो हमारे पिता का भवन है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Shall we all look up to God? आइए समय हम परमेश्वर की ओर देखें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Lord, we have a place to go and cry out in this world. हे पिता, हमारे पास में एक जगह है कि हम वहाँ पर जाएं और इस संसार में पुकार उठें। That is the house of prayer. और वो प्रार्थना का भवन है। House of prayer. प्रार्थना का भवन। We have a house to go and serve you anytime, Lord. प्रभु, हमारे पास में भवन है कि हम जाएं और किसी भी समय तेरी सेवा करें। To worship you anytime, Lord. किसी भी समय हम तेरी आराधना करें। Father, पिता, thank you for giving us such a house. ऐसा भवन हमें देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, we surrender ourselves. पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। To only do things which will please you, Lord. कि केवल वही काम करे जो तुझे प्रसन्न करे। Not anything more than that, Lord. उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं प्रभु। To do only things which will please you. हम तो केवल बस वही काम करे जो तुझे प्रसन्न करने वाले हैं, बस वही काम करे। Father, पिता, Lord, we surrender us one more time. प्रभु, हम अपने आप को एक और बार तुझे समर्पित करते हैं। Fill us with such a heart to serve you, Lord. कि हमें ऐसे दिल से भर दे प्रभु कि हम तेरी सेवा करने वाले हो जाएं। As Jesus did. जैसे यीशु ने की। As David did. जैसे दाऊद ने की। Lord, we long to dwell in the house of God forever. हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सदा के लिए प्रभु के भवन में रहें। We have to be in our Father's house. हमें तो अपने पिता के घर में रहना ही होगा। Father, always praising you. हे पिता, हमेशा हम तेरी स्तुति करें। Always
talking about your righteousness. हमेशा तेरी धार्मिकता के बारे में बताते चले जाएं. Lord, fill us one more time. प्रभु हमें एक और बार तू भर दे. Fill us with such a spirit. ऐसी आत्मा से भर. To praise you, Lord. कि हम तेरी स्तुति करने वाले हो ऐसी आत्मा से हमें भर. Even now, let your hand come upon your people. अभी समय तेरा हाथ तेरे लोगों पर उतराए. Do things which will please you, Lord. कि प्रभु हम वही काम करें जो तुझे प्रसन्न करे. Lord, let the words of our mouth. और हमारे मुंह के जो शब्द हैं प्रभु. And the meditation of our heart. और हमारे मन का मनन. Let them always be pleasing to you, Lord. ये हमेशा तुझे प्रसन्न करते जाएं. Let your cleansing power come upon each and every one of us. तेरी शुद्धिकरण की सामर्थ हम में से हर एक पर उतर आए. Cleanse us, Lord. हमें शुद्ध कर प्रभु. Cleanse our mouth. हमारे मुंह को शुद्ध कर. Cleanse our body. हमारे शरीर को शुद्ध कर. And come into our heart. और हमारे दिल में आ जा. Come into our heart. हमारे दिल में आ जा. And make us a temple of God. और हमें परमेश्वर का भवन बना. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. This should not be a clay house, Lord. ये मिट्टी का घर ना हो मेरे प्रभु. मिट्टी का बनाना हो. This house should be for you to come and live in us, Lord. ये भवन ऐसा हो कि तू आकर हमारे अंदर वास करे प्रभु. This should be a holy temple. ये तो पवित्र भवन हो. Holy temple. ये पवित्र भवन हो. Lord, we offer our bodies as a holy sacrifice to you. हे प्रभु हम अपने शरीर को तुझे जीवित बलिदान चढ़ाते हैं. Holy and pleasing to God. जीवित और पवित्र प्रभु को भावता हुआ. Thank you for cleansing us one more time. हमें एक और बार शुद्ध करने के लिए धन्यवाद. And to making us worthy to worship you, Lord. और तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें योग्य बनाया इसलिए धन्यवाद. Father, we surrender ourselves to serve you, Lord. हे पिता हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि हम तेरी सेवा करें. And to worship you at the house of prayer. और प्रार्थना के भवन में हम तेरी आराधना करें. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Father, fill your people with your abundance in this house of prayer, Lord. हे पिता इस प्रार्थना के भवन में तो अपने लोगों को बहुत आयत से भर दे. Let your abundance come upon your people right now. अभी तेरे लोगों पर तेरी बहुत आयत उतर आए. Fill them with your joy. इन्हें अपने आनंद से भर दे. Fill them with your joy, Master. हे स्वामी इन्हें अपने आनंद से भर दे. Joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आनंद से इन्हें भर दे. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Fill them with songs of deliverance, Lord. इन्हें छुटकारे के गीतों से भर दे प्रभु. Surround them with songs of deliverance, Master. हे प्रभु इन्हें छुटकारे के गीतों से घेर ले. Help us to praise you all day long. मदद कर कि हम पूरे दिन भर तेरी स्तुति करने वाले हों. Lord, help us to live in your house forever and ever. प्रभु हमारी मदद कर कि हम तेरे भवन में सदा और सदा के लिए रहे. Bless the young children. जवानों को आशीष दे. Bless all of them here, Lord. इन सभी को यहाँ पर आशीष दे. Give all their heart's desire. और इनके सारे मन की इच्छा पूरी कर. Even now, touch and heal your people, Lord. अभी अपने लोगों को छू ले और इन्हें चंगाई दे. They have come to the Father's house. ये तो अपने पिता के भवन में आए हैं. Believing that you will bless them and heal them, ये विश्वास करते हुए कि तू इन्हें आशीष देगा और इन्हें चंगाई देगा. Touch them and heal them, Master. इन्हें छू ले और चंगाई दे स्वामी. Father, save every family, Lord. हे पिता हर एक परिवार को तू बचा. The last days, as you have said. जैसे कि अंतिम दिनों में तूने कहा है. Father, bring everyone in the family to your house, Lord. हे पिता इस परिवार के हर एक व्यक्ति को तेरे भवन में लेकर आ. Not even one should be left out. एक व्यक्ति भी बाहर न छूटे. Father and mother and children, everyone should come running to the house of God. हर एक व्यक्ति माता पिता बच्चे सभी परमेश्वर के भवन में आए. Let salvation come into every home, Lord. उद्धार हर एक घर में आए प्रभु. Touch the soul that is not saved right now. जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है उनकी आत्माओं को भी छू ले. Let them serve you as a family, Master. और परिवार के रूप में ये तेरी सेवा करे. Commend every one of them into your hands, Lord. मैं इनमें से हर एक को तेरे हाथ में सौंपती. Work everything good for them, Master. इनके लिए सारी बातों में भलाई लेकर आ. Prosper them, Lord. इन्हें संपन्न बना. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ. Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.
I have been in the business. I am a businessman. I have enrolled myself into a business blessings plan. And trust me, I have never been short of job ever since. I think prayer is the most untapped resource in the world. So prayer is the only way, and the way to go is Jesus Cause Ministry. My name is Pushpal. I am from Ranchi. Some 6 to 7 years back, I bought a piece of land to build a house on it. And the first bank I moved to for a loan sanctioned my loan within 15 days. So I was very happy, you know, a loan of 10 lakhs passed within 15 days. And then in about a year's time, my house was almost complete. That was when actually the problem surfaced. The broker from whom I had brought that land had actually cheated me and sold me the land without a proper road going into that house. So for the first 5 years, I was landed up with a house which had no road, and then my investment into it and a huge bank loan on me. So that was the time when I actually came into belief, and I came into Jesus Calls ministry for prayer support. About 5 years passed by, and the loan was increasing, the interest amount was accruing, and things looked very bleak, you see. About last year around this time, things started changing, thanks to God. One of my friends put up his hand and agreed to buy that property. Yes, he also agreed to pay the bank loan, my investments back. So I really owe it to Lord for the huge loan that was waived off me. A loan in tune of about 10 lakhs was waived. So I give all praise and glory to God. Because without His blessings and without His mercy, this would not have been possible. So I give all praise and glory to God. And finally, I would also like to say that this Jesus Cause Ministry and Paul Linnakaran has done wonders to people like us. You know, every morning we watch a sub-TV program at 6:30. And invariably we get up with some problem or the other and worries. But then they come on air and they say something which invariably connects to our problem, as if they are solving our problems, you know. They are addressing our problems. So I really pray that this ministry is abundantly blessed, and so is Dr. Paul and his family. Praise be to the Lord.